अटल पटल हो रहा है, मगर ज्यादा आदमी को मालूम हो गया है अभी, ज्यादा आदमी तो अभी सब, मगर मेरे को लगता है अभी वो 100 में 80% तो हम लोगों के पास, हमारा बात में आ गया है, अभी 20% है देखो, बस, ये लास्ट थोड़ा टाइम बहुत में ही। दिसंबर गलती मुझसे हुई थी। लास्ट टाइम में जब मैं दुबई से आई थी, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो आज मैं बताने जा रही। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी गलती मुझसे, सूरज से और ओम से ये हुई थी। वो जो आईडी नहीं है ग्रीन हार्ट के नाम से, हाँ ग्रीन, हाँ, उस पे भरोसा करके हमने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया। क्योंकि वो उस टाइम पे है नवराज, उस टाइम पे वो आया था, पर्सनल में कनेक्ट हुआ था और सारा इन्फॉर्मेशन हमसे ले ली थी। हम कि हाँ, मैं सुरेश की वाइफ के कांटेक्ट में हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। और हमने गलती करके, उस पे भरोसा करके, हमने उसको सब कुछ जो भी हम बोलने वाले थे, करने वाले थे, हमने सब उसको बता दिया। तो लेकिन वो आदमी था सुरेश और एलिया की, हमें नहीं पता था ये बात। हम हाँ एवरग्रीन, हाँ, एवरग्रीन, एवरग्रीन पे हमने उस टाइम पे भरोसा की थी, उस हमसे ज्वाइन हुआ था वो। और फोन पे भी हमसे बात की थी और व्हाट्सएप पे भी, और सारी बातें हमने उस पे भरोसा करके उसको बता दी कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो हमारा सब कुछ जान के जाके उसने वहाँ बताया। फिर वहाँ से प्लानिंग ये हुआ था कि अस्मिता जो है वो आए थे हमारे पास हेल्प के लिए, ठीक है। तो अश्मिता ने बोला कि मेरे आईडी में इतने फॉलोअर्स नहीं है कि मैं लाइव जाऊँ, मैं अगर जाऊँ भी तो लोग मुझे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। आप लोग जाके लोगों को मेरे बारे में बताओ, मुझे कोई आईडी ला के दो जिसमें इतने फॉलोअर्स हो कि लोग मुझ पर भरोसा करें, ठीक है। और मैं आके सबको मैं क्या करूँगी, उसका ये प्लानिंग बना था कि अश्मिता ने बोला अभी सुरेश घर पे नहीं है, वो घर से चला गया है। जब वो घर पे आएगा मैं उस आईडी से लाइव जाऊंगी और मैं उस आईडी से सुरेश को लाइव दिखाऊंगी। तब लोगों को समझ आएगा कि हम एक घर पे बैठे हैं, एक बेड पे बैठे हैं, तो लोग भरोसा करेंगे। ये बात हमने जाके एवरग्रीन को सब प्लानिंग पहले से उसको बताया था कि इस तरह का अश्मिता करेगी। उससे पहले कि वो प्लानिंग बन जाए उसने जाके सारा सब कुछ एलिया, मासूम, इन सबको बताया था। तो मासूम जो है उस टाइम पे वो यूसुफ से कनेक्टेड है, उसने जाके यूसुफ को कांटेक्ट किया कि अगर कोई अश्मिता को समझा सकती है वो आप हो, आप उसको समझाओ। ये बात पीछे किसी को नहीं पता, ये आज मैं पहली बार तुम लोगों को बता रही हूँ। पर यूसुफ ही कनेक्ट हुआ अश्मिता से, उसने उसको समझाया कि तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम लाइफ जाओ दोनों के साथ और ये बोलो कि तुम लोग, तुम्हें गुमराह किया गया था, तुम्हारा कुछ भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तुम्हें पता है कि ये दोनों दोस्त ही है। पूरा उसको समझा के उसके बाद अश्मिता ने जाके, जो हमें बिना बताए कुछ भी, उसने जाके लाइव दोनों के साथ बैठ के, आप लोगों को याद हो उस दिन मैं, सूरज, ओम इतना रोए थे क्योंकि धोखा हमारे साथ हुआ था, कि हमने इतनी गालियां खाई थी किसी के लिए सेल लेने की और पीछे तो हमारे साथ गलत हुआ। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला था ना, एवरग्रीन। हाँ ये बात पहली बार आप लोग मेरे मुंह से सुन रहे हो। पहले का कंडीशन भी ऐसा था बीसीस, क्या क्योंकि सबसे पहले तो उस जो गंदी मछली को आपने पकड़ लिया था दुबई में, तो हम लोगों ने भी देखा नहीं था ना, तो बात आपको, हम लोगों से आपको पहले क्लियर से मिल गया, आपको पहले वो लोगों ने कैसा है आपको पता चल गया, तो बाद में जब वो नेपाल आई तो तब भी मेरे को क्लियर हुआ था, तब मेरे को पता चला, जब मैं सबको एक आमने सामने उसका माँ बेटा बहन सबको रात को 2 बजे वो होटल में जब मेरे हम लोगों ने गया था सब आदमी, तब मैंने वहाँ जाके मैं देखा ये लोगों का एटीट्यूड है ना जो दिखता हूँ, ओहो मैं पागल हो गया था वहाँ। और जो आदमी लोगों ने बोलता है इतना सुरती है, मगर सुरती नहीं है, उसको 7 घंटा मेकअप कराने लगा था, खुद मैं था सामने, वो लोगों का ना क्या है ना, एक इन लोगों का काम करके तो कुछ खा नहीं सकता है, बस खाली एक गुड़िया दिखा दो 5 रुपए की और बस खाली ऐसे वो
चुचू चीची। अरे कभी जिंदगी में इंसान अपना खुद का बर्थडे नहीं मना रहा है यार, अरे ये 5 रुपया का ऐसा गुड़िया की बर्थडे मना रहा है। आप खुद समझ लो दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ ना इसका मुंह है ना कूस है, ये क्या करेगा। दिसंबर इस बात पे तो ये लोग जो बैठे हैं मैं इनको भी सुनाऊंगी कि यार वो तो ड्रामा करेंगे पैसों के लिए, तुम लोगों के माइंड को क्या हुआ था, तुम लोग भी बैठ के चुचु का बर्थडे हैं, चलो चुचु के बर्थडे। भाई ये मतलब दिमाग खराब हो गया था आप लोगों का, इतना दिमाग खराब हो गया था कि आप लोगों को इतना नहीं समझ आया कि ये एक जानवर है जो 5 रुपए का के ले आया है। और उसकी माँ भी शुरू हो गई थी, वो अश्मिता के हाँ सब उसकी माँ जब को भी तीनों मना कर ज्वाइन दिया है हुए कि थे नेपाली ना। लोगन गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा से देता है, अब हाँ मैं भी लाइव बैठूंगी। तब उसकी माँ भी बैठने शुरू किया है ना, पहले जब तो नहीं तीनों बैठने थे लाइव भाई। आए थे उसकी माँ आई थी ना पीछे, अश्मिता को बोल गई कि चलो बेटा हैप्पी बर्थडे चूचो बोलो। और उस टाइम पे आप लोगों ने अश्मिता की शक्ल देखी थी, वो कितना अनकंफर्टेबल था। वो बोल तो रही थी कि हाँ एलिया मेरी बहन है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को आप लोगों को उसके एक्सप्रेशन से समझ नहीं आया कि वो एक अनकंफर्टेबल सा बैठी थी, वो जो बोल रही थी, वो जो बोल रही थी और जो फील कर रही थी, दोनों मैच नहीं हो रहा था, वो आप लोगों को नजर नहीं आया। मैं तो थोड़ा बहुत तो जो पाकिस्तान का जो नैना है ना, उसने भी बहुत अच्छा बोला था। हाँ उसने उसको भी दूर भी कर दिया जब, ना, नैना को भी दूर कर हाँ दिया, हाँ जो सच मगर इसके बोलने आया उसको उसने दूर कर दी। बी सिस्टर जब नैना ने बोली नहीं, तब मैंने यूट्यूब से किया इसके बारे में। मैं जब इसका पीछे पड़ गया, मैं इसको मैं बूझने के लिए इसका क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तब मैं देखता हूँ तो पूरा चुम्मा चाटी का फोटो वीडियो है पूरा यूट्यूब पर। कभी गाड़ी के अंदर पूरा मास्क, काला मास्क लगा के पूरा शादी हो रहा है, कुरान पढ़ रहा है। अरे भाई क्या उसने है। पूरा हाँ निकाह किया हुआ है, इस्लामिक निकाह किया हुआ है ना गाड़ी के अंदर, हाँ तब मेरे को जो पता हमारे चल गया कि रिलीजन में होती है। भाई एक खिलाड़ी है। देखो उसने बाद में अपनी शादी इनकार की ना कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन उसने खुद मुझे बोला जब मैं दुबई गई, मैंने कहा ये सब क्या है, उसने बोला कि हाँ शादी हुई थी मेरे अली बाजवा से, लेकिन उसने मुझे किडनैप करके मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई थी, कभी कभी फिर क्या जबकि बोलता है, कभी कभी मैचंग ओ अली बाजवा था, चिपा चिपा करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता यार काश अली बाजवा था। हमारे साथ लाइव में ज्वाइन हो जाए। वो इतना मुझे हंसी आती है वो जब इसकी कब एक्टिंग कल करती नहीं उसने देखो, है। नेपाली लोगों ने जाके इतना गाली दिया था अली बाजवा को, मैं दूसरा आईडी से जाके वास किया था, मगर उसने नेपाली को एक शब्द गाली नहीं दिया। इतना अच्छा है उसका बैकग्राउंड, मैंने मेरे को वहीं से पता चल गया था। कोई भी इंसान आगे गाली गलौज देता है तो उसको एक जवाब उसने गाली बैक नहीं, गाली उसका जवान से नहीं आया। देखो क्योंकि उसको पता जो था वो सच्चा आदमी है, अच्छा उसने आदमी बोला है था कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच सामने आएगा। उसने भी यही बोला था कि आप लोगों को जितने गाली देनी दो, सच आपके सामने आएगा। उसने भी सुरेश को बचाने की कोशिश की थी, आप लोगों को याद है उसने कितने बार हाँ बोला, क्योंकि मैं एक तो मैं गिफ्टर हूँ, ऊपर से मेरा यूएस का आईडी है। यूएस में इस तरह नहीं होता कि आप आईडी को रिपोर्ट करो और वो लोग रिपोर्ट पे बंद करे, वो इन्वेस्टिगेट कर ही लेते हैं, क्योंकि यूएस का रूल अलग है, वो बिना हाँ किसी मत उसकी आईडी बैन करे तो आप उनके ऑफिस में जाके उनको सू भी कर सकते हो। वही रीजन बताओ। हाँ अभी तो ये लोगन पता नहीं क्या, फिर अभी फिर मासूम को पता नहीं मासूम ने क्या किया, फिर अभी मासूम को फिर अभी किंग मारवान वापस आ गया, फिर लौट के आ गया। सुन रहा हूँ मैं तो, अभी ऐसे यूट्यूब दिखा रहा था, आपको पूरा दिखा रहा था यूट्यूब में। ये दिसंबर ये पूरा एक गेम खेला जा रहा है और कुछ नहीं, हाँ वो ये तो मालूम है मैंने। मासूम ये सब मिले हुए हैं, एक गेम खेला जा रहा है हर तरह से। अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कुछ लोगों की आंखें खुल गई है, अकल आ गया है कुछ लोगों को, तो वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें सही तरह से कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों ने गलती की है। सबसे पहले गलती इनकी ये थी कि सुरेश को ऑनलाइन के ऑनलाइन जाके बी को गाली दो, सबसे पहले गलती वहाँ पे हुई है, क्योंकि
ये लास्ट टाइम की तरह नहीं है कि दुबई से आके मैं ही बोल रही हूँ और लोग समझ नहीं रहे। इस टाइम लोगों को खुद समझ आ गया है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तो सबसे पहले गलती उन लोगों ने वहाँ पे की, उनका मकसद था कि सुरेश जाके इसको गाली दे, ये उल्टा आके सुरेश को गाली दे, फिर सब इसके खिलाफ हो जाए, फिर सब वापस हमारे पास पहुँच जाएंगे। इसका ये इनका ये गेम तो मैंने कामयाब होने नहीं दी। अब ये लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं नए नए गेम्स खेलने की, लेकिन जब तक हम इनको जीतने नहीं देंगे, जितना भी गेम खेले खेलते रहे। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ। जब तक ये लोग जैसे भी ड्रामा करेंगे, मगर हम लोगों सच्चाई जो चीज़ है वो बोलने नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों बोलेंगे, बिल्कुल जितना लाइव आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल मैं मेरा भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अब अभी हर तरह मालूम है, से हक अभी ये लोगों करेगा। टारगेट बना रहा है आपको, मेरे को, यांगी को, तीन आदमी को बहुत टारगेट बना रहा है ये लोगों। मगर तीन बना आदमी का है ये लोगों कुछ दो करना ही पड़ेगा। दिसंबर एक बात बताओ, उस टाइम पे जब दुबई से मैं आई थी, मेरे खिलाफ तो सब थे, तब भी मैं पीछे नहीं हट रही थी। अब जब सब मेरे खिलाफ नहीं है, आपको लगता है मैं इनसे डर के पीछे हटूंगी? उस टाइम पे मैं नहीं, अकेली खड़ी थी। हाँ, तो आपको लगता है मैं डर के पीछे हटूंगी? तब इन लोगों ने वो हाल की थी मेरी कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे इसके गंदे गंदे फोटोज वीडियोस कुछ भी लगाए इन लोगों ने, मैं पीछे नहीं हटी थी। आपको लगता है मैं डरने वालों में से हूँ? नहीं, मगर मगर उस टाइम में भी क्या है ना, उस टाइम में आपने तो उस लोगों को फेस टू फेस मुलाकात किया, आपके साथ में बैठा, खाया पिया, घूम घाम, शादी कभी किसी के साथ शादी किया। मगर इन लोगों ने जो किया, तो हम लोगों तो कम से कम अभी जो हम लोगों ने आपने बोला, जो मैंने इससे 6 महीने आगे भी मैं बोला था, तो वही तो अभी इन लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अभी क्या है, थोड़ा बहुत नेपाली ने समझ लिया, तो इसीलिए अभी जो बड़ा बड़ा गिफ्टर है वो लोगों सब डाउन हो गया। वो लोगों ने अभी एक फूल भी नहीं देगा अभी तो। तब जब नहीं देगा, जब नहीं। देखो आप जब मेरे को देते हो ना, तब तक मैं क्या बोलता हूँ, बी अच्छी है, बी अच्छा है, हाँ बी देखो, हाँ बल्ले भी, हाँ क्वीन भी है, ऐसा बोलने लगेगा। ई तो वहीं से भी आदमी को पता बिल्कुल चलता है ना। आपको मैं हर टाइम रेस्पेक्ट करूंगा ना, तो एक ही लेवल का रेस्पेक्ट होएगा, तो आदमी ऐसा बात नहीं बोलता है। बिल्कुल जब आदमी गर्व देता है तो में ड्रामा से ये बोलते हैं ना, वो लड़की तो सीधा है ऐसी ना। है, दिसंबर अगर मैं इस लड़की के पास वापस जाके इसको गिफ्टिंग करने लगू ना, तो ये वापस वही बी 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 आ बी ने बहुत अच्छा किया, बी को लोगों ने गुमराह किया था, वो उसको 2 सेकंड में मुझे मनाने में कोई भी वो नहीं होगी। मैं उसको उसकी टीसी मासूम को बोलूँ कि हाँ मेरे से बात करवाओ, मेरे से सुलह करवाओ, कल मेरे साथ लाइव बैठी गई है। क्योंकि पैसा सब कुछ है, अरे क्योंकि उसका उसका मासूम आया था ना, खुद मेरे पास आया था। ये दुबई का जो प्रॉब्लम चला हुआ था, उसने मासूम को मेरे पास भेजा था इंस्टा पे, मासूम मेरे पास खुद आया था कि बी इलिया वो अब आपसे वापस दोस्ती करना चाहती है, आप एक काम करो, आप कल उसको अनब्लॉक करो, उसने आपको ऑलरेडी अनब्लॉक किया हुआ है, उसको अनब्लॉक करो, कल आके उसके साथ लाइव बैठो और सबको बोलो कि आपको किसी ने गुमराह किया हुआ था। और एलिया भी वही बोलेगी, तुम वापस आ जाओ अंग्रेज में। मैंने कहा दफा हो यहाँ से, जो सच्चाई मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ, मैं पागल हूँ? मासूम ने बोला देखो भी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, आपको लोग कितने गाली दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एलिया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारी ये एलिया खुद ऑनलाइन बैठ के मेरे मजाक उड़ाती है, बैठ के इस तरह की हरकतें कर रही है, और तुम बोल रहे हो उसको बुरा लग रहा है? नहीं, वो तो तुम्हारे बारे में नहीं बोलती। मैंने कहा चल मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने उसको बोला दफा, मैं वापस वहां नहीं आ रही हूँ। उस टाइम पे मुझे ऑफर मिला था कि तुम इसके साथ वापस जुड़ जाओ, मैंने करना कभी नहीं। अभी अभी आप बोलोगे तो बी अच्छी है, सब उसको फॉलो करो, बी मेरी दोस्त है। आदमी लोगों ने, तुम लोगों ने दिमाग नहीं है, तुम लोगों ने नहीं समझ गया, ऐसा बोलने लगेगी, फिर पलटी मारेगी। ये तो छिनार है। मेरे साथ तो ऐसे वही किया था बी ना। सिस्टर, आपको जो छिनार बोलते हैं ना, आपको मालूम है कि नहीं, जिसको दिन दहाड़े जो हाँ लूटता है ना, उसको छिनार हाँ बोलता है हमारा इधर में लैंग्वेज में, और हाँ इंडिया में वही बोलता है, उधर में भी यही बोलता होगा ना। इंडिया हाँ, वो में छिनार बोलते है। हैं। हाँ
और बाद में माँ को बिल्कुल भी पता चल गया, नेपाली लोगों तो ऐसा होता है, बस देगा तब लाइट चालू कर, माँ तुम भी दिन में बैठो, कभी मैं बैठूंगी तभी तुम्हारा बंद तो मेरा अन, मेरा बंद तो तुम्हारा उसकी अन, बस माँ देखो। बेटी बिल्कुल सेम ही है। दिसंबर जब मैं उसके माँ के लाइफ में भी जाती थी उस टाइम पे, और कितने बार जब उसकी माँ को मॉडरेटर्स चाहिए था, कितने लोगों ने नीचे लिखा था कि बी को मॉडरेटर बनाओ, उस टाइम पे मैं उसकी माँ को, मैंने कोई 1,000 की 500 की गिफ्टिंग करती थी, तो उसकी आंखों में इतना काफ़ी नहीं था वो, तो उसने मुझे कभी मॉड नहीं बनाया, जबकि मुझे कोई शौक ही नहीं था किसी के मॉड बनने का। उसके लिए तुम्हें 24 घंटे बैठ के लाइव देखना होता है किसी का, जो मेरे में इतना नहीं है कि मैं बैठ के किसी का मॉडरेटर बनूँ। तो उसकी माँ को नीचे लोग प्यार से मुझे नीचे लिखते थे कि बी को मॉडरेटर बना, उसने नहीं बनाया। जिस दिन मैंने उसको पता चला कि मैंने सुरेश को लाइन मारा है, उसके बाद एलिया खुद आके सुरेश के साथ लाइव में ज्वाइन होके बोली बी तो मुझसे नाराज़ है, वो मेरे साइड नहीं आती। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपने मेरे साथ बदतमीजी जो मासूम ने की थी, और लोगों ने बोला था कि बी को ऐड करो, उसको कुछ बोलना है, तुमने इग्नोर किया था कि मैं नहीं करूँगी। उसके बाद उसने खुद आके मुझसे सॉरी बोला था इंस्टा पे कि मैंने देखा नहीं ये वो। फिर मैंने बोला चलो जाने दो, अब जाके मैं सपोर्ट करती हूँ। मैंने जाके उसको एक लाइन मारा, उसके बाद भी मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई, नंबर भी सेम डे आ गया, कॉल भी आ गया, उसकी माँ भी आई, मेरे गेस्ट पे भी ज्वाइन हुआ, उसकी माँ ने भी मुझे फॉलो फॉलो की, मैं मॉडरेटर भी बन गई दोनों साइड से, मुझे हर चीज़ मिली एक दिन के अंदर अंदर। तो हाँ समझ आनी बीसी से चाहिए ना आपको ये पता इंसान चला कि को। नहीं, जो जो आदमी बड़ा सा गिफ्ट मारता है ना, उसको फट आलिया क्या करती है, खुद फॉलो करती है, उसके बाद फॉलो बैक देती है, फिर उसके बाद फौरन उसका व्हाट्सएप नंबर मांगती है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप में बात करने बिल्कुल लगती है। आप आने से आप बिल्कुल चेंबर को भी मालूम है ना, आप चेंबर को, चेंबर हाँ, चेम्बर से मेरी बात हुई को है। भी, चेंबर ने दिन भर गिफ्ट मारा था तो फौरन उसको भी व्हाट्सएप में ली गई थी, उसने खुद फॉलो की थी, और बाद में चेंबर को साथ फिर उस टाइम में फिर थोड़ा सा लफड़ा हो गया, बाद में ऐसे 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 करके अभी जो सच्चाई निकल रही है, अभी भी इन लोगों को अब थोड़ा बहुत ऐसे ड्रामा करेंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाएगा ये सोच रहा है ये लोगों, मगर अब निकलेगा नहीं, अब अभी आदमी नेपाली सब लोगों सब इकट्ठा हो गया है, अब देने वाला कोई नहीं है, सब लोगों को, सब लोगों ने बोल रहा है इसको आईडी बैन करो और इसको इधर से टिकटॉक से भगाओ, और मैं तो जितना भी नेपाली है सब लोगों को बोलता हूँ कि इसका आईडी में जाके सब ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट मार दो, बस यूट्यूब चैनल भी अनफॉलो कर दो बस। अरे कि ये थोड़ी थोड़ी पाकिस्तान की हीरोइनी है, कोई फिल्म का मॉडल है या कोई हीरोइनी है या कोई अच्छी दिसंबर पाकिस्तान का कोई को अच्छा होगा कोई नहीं तब तो। जानता, इसको सिर्फ नेपाली लोगों ने ही इसको सर पे चढ़ा के रखा है। उस नेपाल के अलावा इसको कोई जूतों के नोक पे लोग रखते हैं। पाकिस्तान में तो उसको मैं वो नाम नहीं लूंगी, बट उस नाम से ये जाना जाता है, माँ हाँ बेटी हाँ हाँ उसके। हाँ 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 मैं हाँ सच मैं बोल समझ में रही आया। हूँ, उसके हाँ खानदान हाँ उससे दूर हो गए हैं कि भाई इनका नाम इतना खराब है, तो उसके खुद के खानदान इससे दूर हो गए हैं। तो आप खुद सोचो कि उसका हाँ हाँ रेपुटेशन पाकिस्तान में उसका है क्या। उसका पापा का जो भाई लोगों ने है ना, जो अंकल लोगों ने है, वो लोगों के बाप के साइड का तरफ तो एक आदमी भी नहीं आता है, क्योंकि ये लोगों का हैबिट अच्छा नहीं है, इसीलिए वो लोगों को पता चल गया, तो इसीलिए कोई आता नहीं उसके घर में। दिसंबर एक चीज नोटिस करो, जब से हमने बोला है कि पाकिस्तान का कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, अचानक से रैंडम पाकिस्तानी आईडीज़ वहाँ पे आके कमेंट करते। अब उसकी उनकी आईडी चेक करो, आपको समझ आएगा कि वो भी कुछ बेचारे नेपालियों को फेक आईडी पाकिस्तानी नाम से बना के दे दिया है। तो तुम यहाँ से आके कमेंट करो ताकि लोगों को लगे कि पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये लोग थे ही नहीं, अचानक से अजीब अजीब आईडी, पता नहीं अवैस के नाम से, तो कोई पता नहीं किस के नाम से आ जाता है वहां पे कमेंट करने, ये दिखाने के लिए कि नहीं पाकिस्तानी मेरे साथ है। एक बार सारे नेपालियों को वहां से निकलने दो, फिर आपको उसकी असलियत समझ आएगी। अभी तो ज़्यादा आदमी को तो पता चल गया, आ गया भी है, अभी थोड़ा बहुत जो अभी थोड़ा वायरल होने आया है, थोड़ा व्यूज़ कमाने आया है, कैसा कैसा आदमी आया, कहाँ पहुँच गया, अभी कितना कितना तक दिन तक चलेगा, बस उसके बाद अभी ज़्यादा नहीं है, मेरे को लगता है 20-22 बंदर होगा, 20-22 बंदर है अभी बिल्कुल कुल मिला के मैं देख रहा हूँ, उससे और ज्यादा नहीं बाकी तो है, सब एक बार अभी उन सबको निकालो, बात खत्म। अभी देखो तुम गिफ्ट नहीं दोगी ना 20-30,
तो साला इलोगन साला तुम्हारा लाश बनाता है, जो मरा वाला बनाएगा, और तुम्हारा फोटो में ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या करेगा इलोगन। अभी जो जो गिफ्ट देता है उसको से फिर हाँ तुम ठीक हो, जब तुम देना छोड़ोगे तो फिर उसके बाद बोलती है बस। तो ये क्या है ना, ये जो जो इसका पीछे वाला जो ये सड़क पड़क वाला जो फेगाड़ी से चलता है, ये सारे बंदर सारे इन लोगों को ये सब चैटिंग में बात होता है इनबॉक्स में, तो उसके बाद सब वही काम कराती है साली, और दूसरा नहीं कराती है। अब बोलती बिल्कुल है क्यों ऐसा कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रही हो, ऐसा करने से क्या फायदा, उसकी माँ बोलती है। मैं तो क्या सोचता हूँ, दिसंबर मेरे में को खुद आपको मालूम है। बताऊं, जब दुबई वाली प्रॉब्लम शुरू हुई थी, एक आईडिता नेपाली थी के नाम से, उसने एलिया के खिलाफ एक पोस्ट डाली थी जो मैंने बोली थी उसने रिकॉर्डिंग करके। उसके बाद उसने जाके वो पोस्ट हटाई, तो मैंने नेपाली टी टाइम या ऐसा कुछ आईडी था, मैंने खुद उसको मैसेज किया, मैंने कहा वो आपने वो वीडियो क्यों हटाया, क्योंकि वो वायरल हो गया था। तो उसने खुद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की कि एलिया ने उसको कांटेक्ट किया, इमोशनल ब्लैकमेल की थी उसको कि आप तो मेरे भाई जैसे हो, आप किस तरह एक लड़की के साथ इस तरह कर सकते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो नेपाली लोगों से इतना रिस्पेक्ट देती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, और आप लोग मेरे साथ इस तरह कर रहे हो। उसको इमोशनल ब्लैक करके बेचारी ने वो वीडियो हटाई, और मैंने मुझे गुस्सा आया, मैंने नेपाली टी टाइम को ब्लॉक किया। उसके बाद उसको भी बुरा लगा, तो उसने जाके मेरे खिलाफ पोस्ट डालने लगा और एलिया के लिए अच्छा डालना शुरू की। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। तो उस टाइम पे वो वही गेम खेल रही थी, अब भी वो वही चीज कर रही है। मैंने कुछ लोगों के वीडियो अपने स्टोरी पे रिपोस्ट की और फिर उसके 1-2 मिनट बाद वो वीडियो उन लोगों ने हटा दी। फिर मुझे समझ आया कि ये लड़की अभी भी वही कर रही है, क्योंकि वो मेरे आईडी देखती है, मेरा हर पोस्ट, मेरा स्टोरी, उनको जाके मैसेज करके बोलती है कि आप इस तरह मेरे साथ कैसे कर सकते हो। फिर वो बेचारे लोग उसके बातों में आके, वो एक आईडी नहीं है एक्सपोज के नाम से, मैंने उसको हाँ ब्लॉक हाँ किया था, फिर उसको अनब्लॉक की। उसने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे एलिया ने बोला था कि सुरेश के माँ बाप मेरे पास आए थे, वो मैंने स्टोरी, मैंने उसको मैसेज की, मैंने कहा ये वीडियो मुझे आप इंस्टा पे सेंड करो, मुझे चाहिए। उसने उसी टाइम पे वो वीडियो उसने हटाई और मुझे मैसेज किया कि क्यों, मैंने कहा मुझे बस वीडियो चाहिए। तो उसने मैसेज की कि मैं ना लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सब लड़कियों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो वीडियो मैंने हटा दी, मैं नहीं दे सकती आपको। मैंने कहा अगर लड़कियों की इतना रिस्पेक्ट करते हो, जो वीडियो तुमने मेरे खिलाफ डाली है, मैं लड़की नहीं हूँ और मैं वो भी हटा देता हूँ, बोल के उसने कभी नहीं हटाया। जहाँ पे ये गंदी मछली बैठ के मेरी मजाक उड़ा रही थी, एक्सपोज ने वो वीडियो, नहीं एक्सपोज नाम था, पता नहीं क्या नाम था साइडी का, देखो, लाइव लाइव में इन लोगों का ड्रामा एक है, अंदर इन लोगों का नहीं गेम एक्सपोज नहीं था, दूसरा है। मगर सॉरी इन एक्सपोज एक्सपोज इन नहीं था गाइस, एक्सपोज को हेट मत करो, वो एक और आईडी नाम है, एक्सपोज नहीं। मैं वो आईडी दूंगी के आप लोगों को बताऊंगी कौन था, एक्सपोज नहीं था, अब बेचारे को हेट कमेंट जाएगा। बाबूराम भूजे लो खाते, तो तेरे बाबू यहाँ पहुंचे ऐसा रेस्पेक्ट वगैरह बोलते तेरे बाबू लाई बाबूराम खाते। क्या है ना, ये लोगों क्या करते थे, ये लोगों ने आदमी जो जो स्क्रीन में जो लाइव में आता था ना आदमी, उसके ऊपर बहुत विश्वास किया। मगर ये लोगों का गेम अंदर, जो ये अंडरग्राउंड से जो काम कर रहा था, ये लोगों का गेम अंदर दूसरा था। हम लोगों क्यों पीछे हुआ था, हम लोगों खेल गई, तो जब उसके बाद का जो आपका बात भी हम लोगों ने सुन गया, तब हम लोगों ने अंदर में बात किया, तब फिर मैं जब काठमांडू पहुंचा, मैं 25 दिन काठमांडू बैठा, तब हम लोगों ने सारा हिस्ट्री पता चल के तब हम लोगों पीछे हट गया था। क्योंकि देखो एक चीज है, जिनमें अकल होती है उनको समझ आती है कि एक टाइम पे मैं खुद अंदेश करती थी, एक टाइम पे इन लोगों की लड़ाई होती थी, ये अलग हो जाते थे, मैं जाके इनको एक साथ ले आती थी, मैं लाइव आके तुम लोगों को बोलती कि यार शांत रहो, कुछ नहीं होगा, दोनों वापस साथ में आएंगे, आप लोग लड़ना बंद करो, इलिया को गलत मत बोलो, सुरेश को। एक टाइम पे मैंने खुद इतनी सपोर्ट की भाई, मेरी मैंने आज तक अपने फैमिली के लिए उठ के दुबई नहीं गई हूँ 2 दिन के लिए, मैंने इस लड़की के लिए की, सिर्फ इसलिए कि मैं वो बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मुझे लगता है चलो लोग प्यार में हैं, मैं इनको हेल्प करूँ। लेकिन जब इंसान को सच्चाई पता चलती है, उससे मुझे कितना हर्ट हुआ होगा वो आप लोग शायद समझ भी नहीं सकते, अब लोगों को शायद समझ भी नहीं आएगा तो उस टाइम पे मैं कितना हर्ट हुआ था सच्चाई जान के, कि मैं कितनी बेवकूफ थी भाई।
देखो फिर अभी भी बोलता है बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। सर इसको मालूम नहीं बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इन लोगों को मालूम नहीं है, बेड़ा लोग को, तब भी बी पॉजिटिव बोलता है। अंदर में सब सब गेम खेलता है नेगेटिव, और बाहर पब्लिक में आके बोलता है बी पॉजिटिव। देखो एग्जैक्टली। जब देखो बोल रहे हैं बी हमें अलग कर रही है, भाई मैंने लास्ट टाइम दिसंबर इन लोगों को क्या बोला, जाके उसको बोलो मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, मैं वापस नवंबर में जा रही हूँ, लेकिन ये अपने शादी का डेट फिक्स करे, मैं इनकी शादी तक यहाँ रुकूंगी, इनका हॉल, इनके कपड़े, इनके गेस्ट के लिए खाना, म्यूजिक, जो भी शादी के लिए होता है ना उसका खर्चा मैं उठाऊंगी, आके शादी करे। अब जो इतना झूठ बोलते हैं कि मैं इनको अलग कर रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ मैं सामने आऊंगी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगूंगी, मैं आप सबके सामने उन दोनों से भी हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, मैं उनकी शादी का पूरा खर्चा दूंगी, आके करे शादी अभी, मैं यही पे हूँ, देर किस बात की है। बीसीस में तो ये लोगों का घर का में इसको हैसियत भी मेरे को मालूम है। देखो इसने इसकी कुछ इसके घर में खाने के रोटी के लिए भी ये लोगों को मुश्किल था। आलिया ये जो 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 पता जो है थिनार है ना, इसका घर में रोटी खाने का भी मुश्किल था। जब ये लाइफ में आ गई तो ये लोगों को थोड़ा सा ये लोगों जो गिफ्ट से पैसा आ गया, तो इसने उसके बाद देखो उसके बाद नेपाली का पैसा ने गाय फॉर्म खरीदा, ठीक है, उसके बाद बंगला खरीदा, अभी अभी नेपाल से 20 लाख रुपए लेके गई, अभी आगे गाड़ी खरीदी। देखो हाँ अभी भी अभी अब थोड़ा उसमें तेल डालने के लिए तो खर्च तो सही है, गाड़ी तो ऐसे नहीं दौड़ेगी। अब वो बिल्कुल पैसा नहीं आने लगा, सब आदमी को पता चल गया, क्योंकि दूसरा चीज के लिए नेपाली लोगों ने पैसा दिया था, मगर उसने एक एक जो गांडू बैठा था यूके में, उसका बातों से उस लोगों ने उसको पैसा थोड़ा कट करके दे दिया। देखो काम के लिए पैसा दिया सारा, उसके लिए दिया, वो ले गई, ठीक है। अभी इसको गाड़ी में चलाने के लिए थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए वो अभी इसको तो गिफ्ट नहीं आ रहे थे, इसीलिए अभी बल्ले मारवान बूम मारवान बोलने लगी। देखो दिसंबर लोगों को एक बात किस टाइम में सोचनी आपको भी चाहिए नाम लेती थी दिसंबर। पहले। बोलो बोलो। ये अपना खुद के पैसे से एक रोटी खरीदने की भी इसको बहुत बात सोचने पड़ती है। दूसरा को नेपाल में आके पिज्जा बर्गर खाई, और बड़ा बड़ा होटल में शॉपिंग, देखो 25-26 लाख रुपए तो ये लोगों ने 15 दिन में उड़ा दी। देखो जब फोकट का मिलता है ना आदमी तो सब ऐसे कर देता है। देखो जब अपना जेब देखो पर दिसंबर और जाता जो है ना लोग तब यहाँ पागल पे हो जाती है। बैठे हैं ना, आप लोग एक चीज सोचो, जब वो नेपाल गई थी पहली बार, जब वो गई थी सुरेश वहां पे था, वो सुरेश से मिलने गई थी, जब दूसरी बार ये लोग नेपाल गए थे तब तो सुरेश यूके में था, क्यों गई थी, क्या करने गई थी, तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आई थी ना, तुम लोगों से पैसा निकालने के लिए आई थी ना, वहां पे आके फ्री के होटल, फ्री के खाने, फ्री के घूमना। दूसरी बात तो सुरेश वहां पे था ही नहीं, वो तो यूके में था, 1 महीना वहां क्यों रुके थे दोनों माँ बेटी, क्या 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 क्या, क्या रीजन था उनका वहां पे आने का और रहने का, सिवाय सुरेश की, सुरेश तो वहां पे था ही नहीं। था ही नहीं, अब फ्री का होटल, फ्री का खाना, फ्री का गाड़ी, फ्री का घूम फिर नेपाली के पैसे में, पूरा जूती से पैसे को पाँव में रख के पूरा रोमांस करी ना, रोमांस। वीडियो बना के व्लॉग इसीलिए बनाने के लिए कि देखो हमारा कितना इज्जत है, हम जब भी नेपाल जाते थे लोग एयरपोर्ट में आके उनके गले में वो रिस्पेक्ट की चीजें डाल के, उनको इतने रिस्पेक्ट से गाड़ी में बिठा के फ्री करा के, तो वो सब दिखावे के लिए ना कि देखो हमारी इतनी इज्जत है, अपना व्लॉग बना के लोगों को दिखाने के लिए, और वहां जाके लोगों के पैसे लूट के बेचारे नेपालियों को, जो मुझे इतना पता है कि नेपाली लोग इतने दिल के साफ है कि उनके पास 5 रुपये भी होता है ना, वो अपना 5 रुपये दे देते हैं सामने वाले को कि नहीं चलो कोई बात नहीं है, देखो हमारे मेहमान है। एक बात आपने ख्याल रखा कि नहीं, इसने जो डोनेशन बोली थी जो पाकिस्तान में जो बच्चा है लोगों के लिए, जो चैरिटी जो इसने रखी थी, जाके इसने क्या मैगी वोगी कुछ बिस्कुट विस्कुट साबुन वाबुन थोड़ा एक मोहल्ले में गांव में थोड़ा उसमें जाके तो दिए, जो दिया उसके बाद भलक बनाई, तो नहीं तो उसके बाद इसने इसने महीने में टिकटक से कितना पैसा कमाता था, वो शोएब ने बताया था 1 करोड़ 15 लाख रुपए इसने कमाती थी, खुद उसने बोला था, उसका घर में जाके उसने इंटरव्यू लिए थे, है ना।
तो उसके बाद इसने पाकिस्तान का कौन सा जगह में जाके इसने पब्लिक को डोनेशन किया, किसको दिया देखो। कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे पता है क्या करती थी, डोनेशन लेके जाके यहाँ पे पाकिस्तान से, अब जब पैसे लेते हो ना यहाँ पे जाके, आप मुश्किल से 10,000 रुपये भी आप जाओगे ना सामान लाने के लिए, उतना ही काफी है, हाँ उसको शॉपर बैग में डाल दो, वहां जाके वीडियो बनाओ और बोलो देखो जो आप लोगों ने डोनेट किया है मैंने यहाँ आके लोगों को खिलाया है। या फिर बहुत इतनी वो नहीं होती, इतना महंगा नहीं है जाके कुछ फल सामान खरीद के जाके देना, वही चीज करती थी, बाकी अपने जेब में डाल के रखती थी, और नाम भी बनता उसकी खुद का कि वो कितनी अच्छी है जाके। और दूसरी चीज ये चीज भी करती है, दिसंबर को इसके पास ज्यादा आता है कि मुझे टिकटॉक पे मुझे यार करो मुझे हेल्प चाहिए, ये उसके साथ टिकटॉक भी जाके तुम लोगों को बोलती है आके गिफ्टिंग करो, खुद अपने अकाउंट से नहीं करती थी, खुद आराम से ऑनलाइन बैठती थी गिफ्टिंग, आप लोग जाके उस दूसरे इंसान को जो हेल्प चाहिए उसको करते थे, और नाम होता था इसका इलिया कितनी अच्छी है कितना लोगों की मदद करती है, लेकिन अपने अकाउंट से उसने खुद कुछ नहीं दिया। और फिर बाद में क्या बोलता है, तुम लोगों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, तुम लोगों झगड़ा कर रहे हो, तुम लोगों को कंट्रोवर्सी करने से क्या फायदा। भाई हम लोगों ने थोड़ी कंट्रोवर्सी किया है, पब्लिक को क्लियर बात बताओ ना क्या है। तुम लोगों का ये 5 रुपए की जो गुड़िया दिखा के ड्रामा करके हम लोगों पैसा लूट रहा है, ऐसा है कि क्या है। जो हम लोगों को तो मालूम है क्या है, जो बाहर जो बैठा है तुम लोगों के साथ, जो मुलाकात नहीं हुआ, तुम लोगों को देखा नहीं है, उसको तो क्लियर बताओ। और तुम लोगों बोलते हो बी हेटर, डिसेंबर हेटर, दूसरा आदमी हेटर। भाई तुम लोगों को, हम लोगों ने क्या खाया है, क्या बिगाड़ा है, हाँ, और हम वही लोगों का तो पैसा खर्च कराया, मुझे हमारा सब दिसंबर, लॉस लॉस कराया। मैं खुल के बोल रही हूँ, मैं उस गंदी मछली एलिया की हेटर हूँ, मैं ओपनली बोल रही हूँ, और मैं उसकी पूरी लाइफ हेटर बन के रहूंगी, उसको जो करना है करे, जो नाम मुझे देना है दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आऊंगी मैं बोलूंगी जो सच है वही बताऊंगी। हाँ वासुदेव को आप ये जो जानते हो? बांसु, ये बांसुदेव है ना, इसको मारो, इसको इसको ये साला, ये भी भेड़ा है, गांडू है, मेरे को गाली दे रहा अच्छा है साला, इसको कुछ मैं मालूम इसको नहीं ब्लॉक है। कर रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ बस, पता ब्लॉक दम चला गया जहन्नम में, नहीं आदमी को सच्चा तो बस बोल देना यही सही है काम ना। ओ डम्मर 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 को ऊपर ले लो ना, दमन। डम्मर, हाँ डम्मर हमारा दोस्त है। आदमी जब सच्चाई बोलने लगता है तो आदमी को बुरा लगता है, जब आदमी बुरा जो फेक है उस चीज को बोलोगे तो हाय 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 करता है। हाँ राइट, ये सब पहले की दुनिया में एक ऐसे स्कीम ऐसा नहीं है था इंसान हमें लोगों ना, हटाने तो के पता लिए नहीं ना, क्या। देखो उसने गलती की उसको लगा सुरी जाएगा, बी को धमकी देगा गाली देगा बी पीछे हट जाएगी, उसको अभी भी नहीं समझ आ रही है कि मैं क्या चीज हूँ, अब उसको अंदाजा हो गया होगा सलामुअलैकुम धीरे बीसीस, धीरे। सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम, बीसीस। हाल चाल भाई नमस्कार नमस्कार, मलाई पनि केही कुरा बोल्नु मन लागेर चाहिँ चस्सा नमस्कार बोलिदिनु नमस्कार, पर्यो बोल्नु पर्छ, भनेर। हामीले कसैलाई गाली गलौज दिएको छैन, आफ्नै कुराहरू होइन गरिरहेको छ, होइन, होइन त्यस्तो डराउनु पर्दैन क्या। अहिले अहिलेको सिनेरियोमा नि, अहिलेको सिनेरियोमा हाम्रो सूर्य सरले चाहिँ किन कुरो नबुझेको, यस्तो नेपाली जनताले भनिरहेछ, नेपालीहरूले भनिरहेछ, यसको भनाइमा नलागिकन थपक्कन आफ्नो तरिकाले चल्दी चल्दिने हो भने त सबै थोक राम्रो भइहाल्थ्यो त, यसलाई आउट गर्ने बित्तिकै सबै थोक राम्रो हुन्थ्यो क्या। सबैले चाहेको त्यही त हो नि, यो लुटेरा भन्ने थाहा भइसक्यो। बीसीस अब में क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, थोड़ा बहुत आता है, बहुत जी ज़्यादा नहीं आता है हिंदी में बोलने के लिए। हाँ मैं जी क्या बात बोल रहा हूँ, लेकिन अभी इतना जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रही है ये गंदी मछली, इस सुरेश सर को तो दिमाग में आना चाहिए ना, उसके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसको स्कैमर, अभी सबसे बड़ा पाकिस्तान का स्कैमर है ये लड़की, उसके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि उसको इस ये तरह से क्या क्या पता किया है था बोलो कि तो मेरी वजह मेरे को, से मेरे को हुआ। मेरे को मेरे को मालूम नहीं पड़ा, पता नहीं क्या सुंगा दिया है कि पता नहीं कुछ खिला दिया है कि पता नहीं क्या कर, मैं तो यही सोचता हूँ, किया रोज यही होगा सोचता कोई, हूँ। कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ खिलाया खिलाया ये होगा जितना दिमाग लगाती है ना, अब ये शीश में थोड़ा बोलता हूँ, फिर बाद में
नीचे जाता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलता हूँ। ये लड़की कितना दिमाग लगाती है देखो, सूर्य सर को लाइफ में नहीं आने के लिए भीतर भीतर अंदर अंदर में बहुत अच्छा से सेटिंग कर रही है ये। अगर सुरेश सर आ जाएगा तो उसका व्यूज भी नहीं होएगा, गिफ्टिंग भी उधर ही होएगा, इसलिए कैसे भी करके उसको लाइफ में नहीं आने का दिमाग लगा रही है। कितना दिमाग लगाती है ये लड़की, ये सब इसको सब कुछ सबको मालूम है कि पाकिस्तान में ये लड़की को एक भी आदमी नहीं पूछता है। ये ऐसे गंदी लड़की है, सबको मालूम है। नेपाली लोग बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सबको कितना अच्छा, जितना लड़का से शादी किया, कितना लड़का को छोड़ दिया, फिर भी नेपाली लोग कितना मासूम है, इसको प्यार करके रखा, इसको रानी बना के रखा। अब ये लड़की अभी सब कुछ होने के बाद ये लड़की भी सुरेश सर का डिवोर्स, अगर ये लड़की इसका दिल में है तो अब क्यों शादी नहीं किया ये लड़की? इतना नेपाली लोग का दिमाग में बैठ के ये लड़की शादी क्यों नहीं किया? शादी करना चाहिए ना अभी दूसरा लड़का के साथ में, भले मरवा बूम मरवान शादी करती है, शादी के बाद ऐसा क्यों करती है ना? ये नखरा वाली है, सबसे नखरा वाली, कितना एक्सप्रेशन देती है मरवान को, पता नहीं चलता है लाइफ में। मैं तो थोड़ा घुस के देखता हूँ कितना एक्सप्रेशन देता है, उसका गिफ्टिंग नहीं होता, उसका चेहरा कैसा बनता है आपको मालूम है ना? जी बिल्कुल, शादी उसके बाद होती है। तो ऐसा कैसा, क्यों टैप नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोलती है। वही तो मुझे ना उससे ज्यादा उसकी माँ पे माँ समझ नहीं आती कि भाई कैसी माँ हो जो अपनी बेटी ने तुम्हारे पूरे तुम्हारा और खुद का नाम बर्बाद करके रखी है और तुम फिर भी बैठ के उसको सही रास्ते पे चलाने के लिए नहीं बोल रहे हो। तुम खुद उसके साथ होटलों में घूम रहे हो, तुम खुद उसको हर जगह पे लेके जाते हो, तुम खुद उसको ये बोलने देते हो कि चूचू मेरा और सरी सब नाजायज बच्चा है, तुम खुद उसको हर तरह की चीजें करने के लिए इजाजत दे रहे हो, फिर उसकी माँ लाइवा के दूसरों को बोलती है। तुम लोगों का औकात है क्या भाई? हमारी औकात हो ना हो लेकिन हमारी इज्जत तो है। राइट हाँ, इंसान का इज्जत नहीं है तो उसका खुश भी नहीं है। इज्जत गुम गया ना तो पैसे तो हर आदमी कमा सकता है। ओ, इनको तो फेम चाहिए होता है, तो फेम हर किसी को फेम नहीं चाहिए होता है। फेम चाहिए होता तो फेम हर कोई अपने लिए कमा भी सकता है और खरीद भी सकता है। और जितना मैंने गिफ्टिंग की है उससे तो मैं अभी 1 मिलियन के क्या 5 मिलियन के आईडी खरीद सकती थी मैं आराम से। मेरे को तो लगता है अभी कृष्णा लिंबू इसके साथ शादी करेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये भी पीछे से लाइन मार रहा है इसीलिए इसने पैसा दिया। वो सब लाइन में किसी और चीज के लिए करेगा ना, एक दो दिन के लिए करेगा ना, फिर डिवोर्स हो जाएगा। एक दो दिन करेगा, 1 वीक करेगा, 2 हफ्ते करेगा, बस ऐसे पहले से ऐसे चल रहा है तो अभी चलने से क्या हो जाएगा। ये जहाँ भी शादी करेगी ये 2 दिन में 1 मंथ के बाद डिवोर्स इसका होगी, ये घर वापस आएगी, क्योंकि ये जिस तरह की है उस तरह कोई भी घर में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ पे भी जाएगी वहां से इसको निकाल के इसकी माँ के पास वापस भेज देंगे कि जाओ यहाँ पे आके इसने तबाही मचाई है। क्योंकि एक लड़की जब शादी करती है ना वो अपने हस्बैंड के घर जाता है तो पूरे घर को जोड़ के रखता है, हर चीज का ख्याल रखता है। ये इतना सेल्फिश है कि भाई इसके माँ मुझे बोलती थी कि ये ना खाना इसको हर चीज पसंद नहीं है तो आप इस चीज का ख्याल रखना, ये खाना नहीं खाती इसको अपने हाथों से खिलाना, ये बच्चों की तरह है, आप थोड़ा सा ना इसके मेरे लिए बच्चों की तरह इसका ख्याल रखना। ये जब सो जाती है ना तो पूरा लाइट ऑफ करना, आप थोड़ा सा भी हवा उठोगे या दरवाजा ओपन करोगे तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तब मैंने बोला चलो छोटी बहन ने, मैंने उसकी माँ की इज्जत करके सारे बातें मान ली। इस तरह किसी के घर में जाएगी उसके माँ उसके हस्बैंड को बोलेगी कि ये जब सोती है इसको जगाना नहीं है ये वो, उसको लात मार के बोल देंगे ले जाओ वापस अपने घर। कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह के नखरे। वो कोई काम करती नहीं है घर पे, वो हर चीज उसकी माँ करती है, उसका भाई करता है, ये कभी एक प्लेट भी इसने कभी धोया नहीं होगा अपनी लाइफ में।
कौन इस तरह अब का इस उसको तरह की उसको हस्बैंड लगेगा। उसको हस्बैंड ढूंढने के लिए टाइम ले, वो ढूंढने टाइम में किधर बर्तन मिसेगी, तो उसको तो आज कौन सी लड़का पसंद आएगा सबर, दूसरा एक दिन बात पैदा सोचो, आज तक इस लड़की को अपने घर में तुमने खाना बनाते हुए या चाय बनाते हुए देखा है, लेकिन जब नेपाल गई दिखाने के लिए व्लॉग में, ये किचन में घुसी है, मैं खाना बना रही हूँ, पता नहीं कौन सा गंदा खाना बनाया था उसने, ऑब्वियसली हमने तो नहीं खाया, वीडियो में तो कोई भी खाना आप अच्छा से दिखा सकते हो, बाद में नेपाल की किचन में जाके घुस के वीडियो बना के ब्लॉग में लगा दी सबको दिखाने के लिए, बात खत्म। अपने घर पे इसको कभी तुमने काम करते हुए देखा है? जब भी पूछो उसकी माँ नहीं। लाइव आती है, पूछो इलिया का है, सो रही है, पूरी लाइव बैठ के, पूरी लाइफ लाइव की थी, उसके बाद वो बैठ के बाहर घूमती है, फिर आके सो जाती है। कभी भी इसके माँ को तुमने ये सुनते हुए देखा है कि किचन में है, बर्तन धो रही है या खाना बना रही है? जब भी उससे पूछो इलिया का है, सो रही है, हाँ झूठ बोल रही हो? नहीं, झूठ हम लोगों ने क्यों बोलेंगे भाई, हम लोगों तो फैक्ट बात करने वाला इंसान, जो गलत है गलत तो गलत बोलते हैं, सही को सही, मगर इंसान को थोड़ा दिमाग कम वाला इंसान को मालूम नहीं पड़ता इन लोगों ने ऐसे बोल रहा है हमारा वो गंदी मछली हमारा रानी है, ओ उसकी वो है, इन लोगों तो ऐसे है, मगर जो हम लोगों ने फैक्ट बोलता है ना, क्योंकि हम लोगों ने इतना डूबा है इन लोगों के साथ कि इन लोगों ने अभी तक नहीं डूबा है, जितना हम लोगों को मालूम है इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, ये लोगों का अंदर का गेम क्या है और बाहर का जो तो स्क्रीन में आके दिखाने वाला गेम क्या है ये लोगों को मालूम नहीं है। इंसान सबसे पहले अंदर का समझना चाहिए, बाहर का तो जो कोई भी हो, शाहरुख खान काजल के साथ कितना मस्ती करता था, सब आदमी इंसान बोलता था शाहरुख खान के काजल से शादी हो गया, हाँ मगर नहीं हुआ ना, करेक्ट, नहीं हो, सच्चाई तो अंदर अंदर का क्या है वो चीज़ पता लगाना चाहिए इंसान में। बिल्कुल सोशल मीडिया में तो बाहर जो भी होता है, अभी अभी मैं लफड़ा करता हूँ दूसरे के साथ, फिर मैं आके लाइव में आ नहीं है यार ऐसे हंसी मजाक था, दोस्त यार था, बस हाय हेलो बस, चुचू चिप्पा चंगबा बस खत्म, फिर फेंको नेपाली लोगों, तुम लोगों ने फेंको गिफ्ट, तुम्हारा इधर भांजा इधर है, तुम्हारा चिप्पा इधर है, बस मारो अच्छा गिफ्ट मारो दुबई की उसको, एक भूख और लग बात आप रहा है। लोगों को बताती हूँ। दिसंबर जब दुबई में हम गए थे, कुछ लोगों ने नेपाल से कपड़े सेंड की थी कि एलिया को बोलो कि शो में जाए तो ये कपड़े पहन ले, वो कोई वहाँ की शायद बहू को देते, इस तरह का कोई रेड ड्रेस उसको सेंड किया था, ठीक है कि ये रिक्वेस्ट करो ये पहनना है। तो सुबह जब रेडी होने जा रही थी, सुबह सुबह सुरेश की जो दोस्त होटल में वो लोग रुके थे, वहां से उसने आके वो कपड़े इसको दे दी कि ये लोगों ने नेपाल से भेजा है और रिक्वेस्ट किया है कि शो में आप ये चीज पहनो। उसके माँ ने इतना मजाक उड़ाया उस चीज का, पहनी नहीं थी उसको उसने, तभी जाके उसने वो हाँ ग्रीन ड्रेस पहनी थी, जबकि मुझसे पूछा, मैंने बोला उन लोगों ने इतना प्यार से दिया है तो पहन लो, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है। नो ये उसके माँ ने मजाक उड़ा रहा कि उसको नहीं पहननी थी वो चीज, कि ये क्या है, ये तुम नहीं पहनोगे, ये है सच्चाई, पीछे की सच्चाई, आगे नेपाली नेपाली लोग, नेपाली से हम प्यार करते हैं, पीछे तुम लोगों की बारे में क्या क्या मजाके बनाई जाती है वो मुझसे पूछो ना। मैं ये सब चीजें देख के तो मैं वहां देखो से हटी हूँ। हंड्रेड हंड्रेड में 80% तो पूरा बाहर आ चुका है, अभी थोड़ा बहुत 20% बाकी है, ये भी आने वाला एकदम रफ्तार में जल्दी आने वाला है, 20% भी 80% आ गया है, जब 20% आएगी तो वो खतरनाक होएगी, तब ये लोगों को और दिमाग होएगा, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा, अभी 20% बचा है बस, वो भी आने वाला है। देखो मैं यहाँ से जब उसने मुझे दुबई बुलाया था, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास टाइम भी नहीं था, उस दिन मैं उठी हूँ सुबह, मैंने अपना काम छोड़ के मैं मॉल में गई हूँ कि मैं इसके इसके भाई उसके मॉम के लिए मैं जाके वहां से गिफ्ट खरीदू, मैंने जाके वहां से महंगे महंगे परफ्यूम ली थी तेलों के लिए, फिर वहां से मैं घर आके एलिया का कॉल आया, मैंने बोला देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने तुम लोगों के लिए परफ्यूम लिया है, उसके अलावा मेरे पास, उसने सीधा मुझे बोल दिया हम तीनों को परफ्यूम से एलर्जी है, एलर्जी होती भी किसी ने इतने प्यार से जाके तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है तो बोल देते ओके थैंक यू कोई बात नहीं, तो ये बोला नहीं नहीं वो आप लेके मत आओ हम तीनों को एलर्जी है, मैंने कहा तीनों को? हाँ, कभी आप परफ्यूम नहीं लगाते हो? नहीं हम परफ्यूम नहीं लगाते। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं जाके वो परफ्यूम रिटर्न भी करूं, तीनों दो परफ्यूम तो लड़कियों के थे, मैंने अपने लिए रख ली, जो लड़का वाला लिया था वो मैं लेके अपने साथ गई, मैंने कहा चलो वहां पे
दे दूंगा, किसी को भी दे दूंगा। बाद में जाकर मैंने ईसा को दे दी और अब मैंने इसके गंदी मछली के सामने ही दे दी। मैंने कहा कि ये मैंने लिया था लेकिन इनको एलर्जी है तो आप ही रख लो। आया तो आप, मैं तो ईसा को उस टाइम पे जानती भी नहीं थी, ईसा को ये जानती थी। जब आया मैंने बोला चलो ये आप ही रख लो, आपके नसीब में था। खरीदा तो मैंने इसके भाई के लिए था लेकिन इनको फिर मुझे कॉल आ रहा है, आप बात करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, त्यही हो साथीहरू, होइन। म अहिले एकछिनमा, म पनि मेरो लाइभ खोल्छु अहिले 6:30 बजी। मेरो यो आइडीमा चाहिँ कसरी फलो खायो नै किसी का बिजी उठाए लेकिन नहीं चला, है ना। अब इधर टिकटक में जो आता है, फेक में आता है, गाड़ी देता है, तेरे को तू कहाँ है बोल, मैं आएगा जो रियल आईडी में नहीं है, फेक में है। दुनिया ऐसा लोगों को तो मैं ऐसे जूते के नीचे रख के चलता हूँ, लोगों को भी मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। जो आदमी करता है वो बोलता है, और सच्चाई वही आदमी बोलता है जिसने किया है, जिसको मालूम है। जो मालूम नहीं है तो मैं कैसे अभी बोलो बी, आप मेरे लाइफ के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में आपको क्या मालूम? कुछ भी नहीं, आपका लाइफ के बारे में मेरे को क्या मालूम, बताओ। कुछ नहीं। हम लोगों तो उसके पीछे पड़े, उसके घर तक पहुंचे, उसके साथ में मुलाकात हुआ, उसके साथ बैठ के खाना खाए, सोए, सब कुछ पता चला, तब तो हम लोगों बोल रहा है ना। तब तो पहले तो हम लोगों ने भी सपोर्ट किया, आपने सपोर्ट किया, मैंने सपोर्ट किया। अरे भाई ये तो गलत है यार, तब तो राइट, मालूम हुआ ना आपको भी मेरे को भी। आप भी इतना अमेरिका बिल्कुल से दुबई आने के लिए कोई ऐसे 2 रुपए का टिकट नहीं है ना, इतना पैसा खर्च कर, डॉलर खर्च नहीं, करके आप आए हो। पैसा अलग और 19 आवर्स का फ्लाइट है भाई, कोई छोटी मैं मोटी भी इधर फ्लाइट नेपाल नहीं। बैठ के अपना जेब से, यहाँ से मेरा घर से काठमांडू जाओ, गाड़ी में पैसा खर्च करके इधर जाओ उधर जाओ, उसका कंसर्ट में जाओ, कभी उधर डोनेशन करने जाओ, मेरा भी तो पैसा इधर पैड में नहीं फलता है कि मैं ऐसा तोड़ तोड़ के मैं जाऊँ। मेरे को भी तो कोई तो मेरे को दिया नहीं, मैं अब अपने जेब से खर्च देखो करके गया एक था। और चीज, जो दिसंबर हुआ ना दुबई में, जो गलती हुई थी सुरेश से, मैं जब वहां गई थी, मैं भी एक गेस्ट की तरह ही गई थी, है ना, उस शो में। क्योंकि उस टाइम पे लोग मुझे भी पसंद करते थे, लोगों ने मुझे भी बोला कि आप आओ आप आओ। तो जब मैं गई वहां, मेरे लिए, इसकी माँ के लिए, और मैंने दिल में ये बात रखी नहीं है, बस बोलने के लिए बोल रही हूँ, कि उसके माँ भाई और इलिया के लिए उन्होंने पूरी गैस का वो बनाया था, पिन बनाया था और वो सब कुछ लिया था, मेरे लिए नहीं बनाया था। मैं जब वहां पहुंची, ऑब्वियसली इंसान को बुरा तो लगेगा कि मैं वहां पे एक इलिया की पता नहीं किस हैसियत से मैं वहां पे गई थी। जब मैं वहां पहुंची, इन लोगों को समझ आया कि ओ ये भी तो आई है, इसके लिए तो हमने गेस्ट का कुछ भी नहीं बनाया। तो उन्होंने एक पेन उठा के मुझे पहनाया था, जो बाद में मुझे इंसल्ट फील हुआ। मैंने कहा बोल ही देते कि भाई सॉरी हम भूल गए, आपके लिए बनाया नहीं, वो सही होता। नेपाली में एक पेन लिखा हुआ था, उन्होंने मुझे पहना दिया, मुझे लगा मेरा भी गेस्ट लिखा हुआ है। इसकी माँ ने, एलिया की माँ ने खुद मुझे बोला कि ये आपके पेन में क्या लिखा है, हमारी तरह तो लिखा नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने जानबूझ के उसके माँ ने पूछा, अब मुझे समझ आया कि वो मुझे जलील करने के लिए किया। फिर माँ ने जानबूझ के पूछा जो नेपाली वहां बैठे थे कि इसके पिन में क्या लिखा है, और वो लोग बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो एम्बेरस थे कि भाई हमने हमसे गलती हो गई, तो बताना नहीं चाह रहे थे। उसकी अम्मी ने बार बार हर किसी से पूछ पूछ के फाइनली जवाब ले ली। उन्होंने बोला उसमें लिखा है कि ये भी एक आर्टिस्ट है, उन्होंने किसी बेचारे आर्टिस्ट का टैग उतार के मुझे दे दी थी। उसकी अम्मी ने जानबूझ के ये चीज की थी ताकि मैं जलील हो जाऊं कि भाई देखो तुम्हें वो इज्जत नहीं मिली है जो हमें मिली है। तो तब जाके मैंने वो पिन निकाल दी, मैंने वापस भी कर दी। मैंने कहा ये आप लोगों ने किसी आर्टिस्ट से निकाला है, बेचारे उसको वापस करो, मुझे ना भी देते तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वहां पे हाँ, नहीं गई थी सिर्फ पड़ता। एलिया के कहने पे। तो ये चीज है ना, उस टाइम पे जब हुआ, बाद में जब आए, इससे खुद इसके माँ ने और खुद मुझे बोला कि भाई ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, उनको ऐसा नहीं करने चाहिए था। इतना कुछ बोल के मुझे वो फील करवाया कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने बोला था ये बात लाइव पे कि मेरे साथ
इस तरह की चीज हुआ था वहां पे जो होना नहीं चाहिए था, बरकाया इन्हीं लोगों ने था मुझे। मैं अपने आप तो आके मैंने नहीं बोला था कि देखो तुम्हारे तुम्हारे साथ इस तरह, मैंने तो एक्चुअली नोटिस भी नहीं की थी कि मेरे पिन में अलग लिखा हुआ है। उन्होंने मुझे पहनाया, मैंने थैंक यू बोली, बात खत्म। इन्होंने मुझे नोटिस करवाया कि देखो हम मेरे हम तीनों के पिन में कुछ और लिखा हुआ है, तुम्हारे पिन में कुछ और लिखा हुआ है। आने के बाद इन्होंने ही बैठ के बोला कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था, ये तो तुम्हारे लिए बहुत वो एम्बेरसमेंट वाली बात है कि इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना के किसी आर्टिस्ट का पिन लगाया, ये वो। मैंने बोला, फिर उसके बाद मैंने सोचा हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, मुझे बुरा मनाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे साथ इस तरह क्यों की, फिर बाद में इन्हीं लोगों ने खुद बोला ओ ये क्यों बोल रही है, ये होता है इनका काम। वही तो है ना, क्या करेगा, अभी रोटी चावल के लिए भी ये लोगों ने ऐसा कर रहा है। तो हम लोगों ने तो समझ में आ गया, मगर थोड़ा बहुत जो आदमी का है जो थोड़ा दिमाग नहीं आ रहा है, हाँ अभी उन लोगों को भी आएगा, मेरे ख्याल से आएगा, मगर ज़्यादा आदमी को तो आ गया। अभी तो पूरा गिफ्टर तो पूरा डाउन हो गया, अभी तो वो तो एक फूल भी नहीं मारेगा, वो बोला है मेरे को भी, मैं तो नहीं मारेगा अभी उसको, इतना मेरा इतना इतना पैसा खर्च हुआ है, ये लोगों ने पूरा ड्रामा करके ऐसा करके, कभी क्या बोलता है ये लोगों का, बाद में कोई जो जवान निकलता है मुंह से वो कोई ठेगान नहीं है उसका, दिसंबर वहाँ पे अब कुछ नहीं गिफ्टिंग बोलेगा। सिर्फ मारवान की आती है और एक दो और नए नए गिफ्टर्स जो शायद किसी मारवान ने कोई फेक आईडी बना के उससे आके कोई थोड़ा सा 1,000 का 2,000 का गिफ्टिंग करके चला जाता है ताकि ऐसा उसका लगे कि उसके और मारवान गिफ्टर्स का भी दूसरा हैं। आईडी भी है ना, बिलेन 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 आईडी भी है उसका, 32 लेवल की। तो कुछ कुछ गिफ्टिंग उस खुद मारवान की 2 आईडीज है और फिर कुछ गिफ्टिंग ये मासूम ने अलग अलग आईडीज बना के उससे आके 500 1,000 का कर देती है ताकि इन लोगों की नजरों में ये लगे कि इसकी अभी भी गिफ्टर्स है। बाकी वहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। उसकी डबल टैपिंग मुश्किल से 300 हो जाती है जब मैच में बैठती है, उसका डबल टैपिंग मुश्किल से 1 मिलियन में पहुंच जाती है जबकि 4 घंटे 5 घंटे ये लाइव बैठती है। उसका शेयर कोई 200 300 से ज्यादा नहीं होता। वहां पे कुछ नहीं बचा है, अभी सब दिखावे के लिए है वहां पे कि देखो अभी भी लोग हैं। अभी मुझे पता है कि वहां पे 1,000 लोग बैठे हैं तो उसमें से 500 लोग वहां पे हेट करने के लिए बैठे हैं, बस वो कुछ बोलते नहीं है क्योंकि उनको बहुत जल्दी म्यूट और ब्लॉक किया जाता है। बाकी इसमें से जो 500 लोग बचे वो 500 लोग भी कंफ्यूज ही है भाई, हम इस पे भरोसा करें या इस पे भरोसा करें। तो वो 500 वही पे, अब जब सबको अकल आएगी सब वहां से निकल आएंगे तो वहां पे शायद कोई 100 से ज्यादा लोग बचेंगे नहीं। अभी तो 100 भी नहीं है, इसे ऐसे 2 4 5, उधर का 4 लड़की और इधर का 2 लड़की, 5 लड़की और ऐसे 10 15 बंदे लड़का लोगन है, ऐसे ये लोगों का जो 15 20 आदमी है, मैंने पूरा टोटल इसका देखा है, 15 20 आदमी है ऐसे ही, और उसमें तीन आदमी उसका ज्यादा गिफ्टिंग करने वाला है बस। अभी क्योंकि नहीं। सच्चाई देखो, जब क्या है ना, जब बारिश होती है ना, बीसी जब बारिश होती है, जो नदी में जो पानी, जो क्या है ना, पानी का रफ्तार जैसे पहले था वैसे नहीं होता है। देखो इंसान सोचते होगा हाँ ऐसे होगा, नहीं होगा ना, जब बारिश आएगी तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी ज़्यादा हो बिल्कुल गया तो पानी बाहर तक आना लगेगी ना, जब पानी बाहर आएगी बिल्कुल। तो हम लोगों ने पब्लिक उसको रोक सकता है, नहीं रोक सकता है ना। दिसंबर अभी हाँ अभी भी अगर कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुरेश की वजह से है क्योंकि उसने मना किया है लोगों को कि इसको कुछ नहीं बोलना, उसने सारा गलती अपने ऊपर ले लिया है और इसको क्लियर में रखा है। इसलिए अगर कभी सुरेश सच बता दे कि हाँ इस लड़की ने यूज किया है, तुम देखो 2 सेकंड में लोग वहां से हट जाएंगे। अभी भी अगर उसकी थोड़ी सी इज्जत बची है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सुरेश ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया है। जबकि अगर याद हो दुबई में जब सब कुछ सामने आ गया था, सुरेश ने जाके बोला कि मेरी शादी हो गई है, तब उसने क्या बोला था कि मैंने पहले दिन ही एलिया को कॉल करके बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ, और एलिया ने उसको बोला था कोई बात नहीं है हमारी जोड़ी लोगों को पसंद है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बोला था उसने, नहीं बोला था? हाँ हाँ ये बात तो सही 100% है, मेरे को अस्मिता ने बोला था, पहले तो अस्मिता से भी बात किया था ना इसने व्हाट्सएप में,
तो अगर ये बहुत सच्ची लड़की है, उस टाइम पे आया था कि मेरी शादीशुदा हूँ, तो ये लड़की उसी टाइम पे उसको बता दी थी। सुरेश की इसकी हर बात मानती है कि देखो हमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, पर एक काम करते हैं, आपको अपने शादी के बारे में नहीं बताना, मत बताओ, हम साथ में लाइफ आएंगे, लेकिन लोगों को क्लियर बोलेंगे कि हम सिर्फ फ्रेंड्स ही है, रिलीजन की वजह से कभी हमारी शादी नहीं हो सकती, ना हम कभी रिश्ते में आना चाहते हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये चीज भी कर सकती थी, लेकिन उसने क्या बोला, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को हमारी हमारी जोड़ी पसंद है, जो चल रहा है वही चलने दो। हाँ तो प्लानिंग किसका था, सुरेश का या इलिया का? सुरेश को अगर प्लानिंग होता तो वो कभी जाके इलिया को बताता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, उसको भी उससे भी छुपा लेता है, इलिया को कहाँ से पता होनी थी, हाँ उससे भी छुपा लेता, उसको उसको क्यों कॉल करके सच बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सोचने वाली बात है गाइस, जरा सोचो, जो ये सुरेश आके अपने ऊपर सारा इल्जाम लेके इसको क्लियर में डाल रही है, तो अगर सुरेश को गलत करना ही था तो उसको सच्चाई क्यों बताई, इससे भी झूठ बोल लेता, इससे भी छुपा लेता, ऐसे बहुत सारे मर्द करते हैं। वही तो बोल रहा हूँ ना, आदमी लोगों जब इतना मेन मेन पॉइंट का बात आ गई है ना, तब भी आदमी लोगों वो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा है, उसका दिमाग कैपेसिटी नहीं है ना। अभी इतना सच्चाई भी बाहर आ रहा है, तब आदमी लोगों अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। जो एक जो आप जो आप मैजिक देखते हो, जो एक मौत का कुआ आपने देखा होगा, उसके जो गड्ढे के अंदर मोटरसाइकिल पूरा घुमाता है ना, ऐसे हो रहे इंसान लोगों अभी अभी एक का दूसरे का बात सुनता है तो दूसरा क्या ऐसा बोलता है, दूसरा क्या ऐसा बोलता है। जो आदमी रियल बात बता रहा है, जो आदमी पहले से उन लोगों को जानते हैं आमने सामने से, वो उन लोगों के बेड के साथ खाया है, पिया है, सोया है। अरे भाई थोड़ा बहुत तो यार समझो ना, नहीं तो ऐसे थोड़ी पागल आदमी है बोलने का नहीं है। जब आदमी उसके अंदर जब लग गया तो उसका वो ये सब बात बाहर बात इस... ये है, हाँ बात सिर्फ इतना है और क्लियर बात है कि उन्होंने एक हैशटैग बनाए हैं अल्रिश, वही उसी चीज, उसी एक लफ्ज को यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है अभी तक कि अल्रिश। लोगों को इतना अभी तो सोचना ऑलरेडी चाहिए नहीं है, कि अभी उसमें तो रेश अलग है और अल अलग है, अलरेश है ही नहीं, दोनों अलग अलग है। नहीं अब जब दोनों अलग अलग है तो अलरेश क्यों अभी भी लोगों को अलरेश अलरेश बोल के बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? अभी भी लोगों को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? अभी भी आके सच क्यों नहीं बता रहे लोगों को? मैं तो बीसीस में तो वो गंदी मछली को जब तक मेरा सांस रहेगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं ठोकते रहूंगा इसको। इसके तो मैं अब बहुत पीछे पड़ गया, इसको तो मैं एक आईडी जाएगा दूसरे आईडी से, आईडी बहुत पड़ी है, बस लाइव खोलूंगा मैं जब तक। अभी अभी तो मैं अलातुल इसको दूंगा, डेजी आप बिल्कुल क्योंकि सही हो इसने इसमें, इसमें सुरेश को भी कोई सही नहीं बोल रहा है, उसने भी गलत किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सुरेश बिल्कुल इनसेन है, उसने कुछ भी नहीं किया है, उस वो भी एक हद तक गलत है। उसने ये सोचा कि चलो उसको ये दिखाया गया और समझाया गया कि अगर एलिया है तो सुरेश है, अगर एलिया चली गई तो सुरेश बर्बाद, उसको ये एंगल दिखाया जा रहा है कब से। बीसीस और इंसान देखो ना, जो रोटी हम लोगों ने जो उसके तावे के ऊपर जो उसको डालते हैं ना, जो बनाई जाती है, तो वो कभी भी वन साइड नहीं पकता है। अगर वो वन साइड पक जाएगा ना तो उसका टेस्ट दूसरा होता है। जब रोटी बिल्कुल पकती है तो दोनों साइड पकती है ना। तो हम बिल्कुल लोगों ऐसा नहीं सोचो भाई, गेम कैसे खेलने होता है पहले वो सोचना चाहिए। खाली एक तरफ नहीं चलो, इसमें दोनों का ऐसे बराबर है, मगर एक एक डिजाइन है, एक से बोलता है पूरा एक्शन देता है, एक फॉलो करता है, एक फॉलो करता है तो दूसरे एक्शन लेता है, ऐसा है। एग्जैक्टली। देखो उसको एक तरह से डेजी सुरेश को ना इसने बहुत चालाकी से फंसाया हुआ है, जो लोगों को नहीं समझ आया, इसका बार बार सुरेश को सबके सामने डांटना, बार बार इसको ये बोलना कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके तुम्हारी यही इमेज है, तुम ऐसी हो, मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा यही इमेज होता है, मेरी वजह से तुम्हारी इमेज अच्छी है, ये सब चीजें ना आप किसी को पर्सनल में भी बता सकते हो। आप उसको उनके पास पर्सनल नंबर है, कॉल करके पर्सनल में बोल सकते हो कि सुरेश तुम लड़कियों के साथ इस तरह मत करो, तुम्हारी इमेज खराब होती है।
लेकिन वो हर चीज जानबूझ के तुम लोगों के सामने किया है, हर बार ड्रामा करके वहां से हटी हुई है, सिर्फ और सिर्फ सुरेश को ये दिखाने के लिए कि देखो तुम, जब तक मैं तुम्हारी पीछे खड़ी हूँ तब तक तुम्हारा पहचान है, मैं हट जाती हूँ तो लोग, और लोग भी इतने बेवकूफ के जाते हैं, हाँ हाँ सुरेश ये लिया, सही बोल दी, ये सही लिया, तुम्हारा भला चाहती है, अच्छा चाहती है, वो जैसी बोलती है तुम वैसे करो। अगर याद हो सुरेश पहले ऐसे नहीं थे, सुरेश इसको मुंह भी नहीं लगाती थी पहले पहले, याद है ये बैठ के रोती थी कि मेरा कॉल नहीं उठा रहा है सुरेश, पूरा दिन से कोई बात ही नहीं की, लाइव नहीं आ रहा है, फिर उसके गाने लगा के बैठ के रोना शुरू करती थी। पहले पहले तो सुरेश इसका मुंह भी नहीं लगाती थी, वो आके लाइव करके एंटरटेन करके चला जाता था। अभी तो सुरेश का गाना उसको पसंद नहीं है, अभी तो पंजाबी लगा दिया ना, बंगड़ी बाजी है। वही बोल रही हो ना गाइस, एक पूरा स्कीमिंग बनाया गया है, पहले सुरेश उसको मुंह भी नहीं लगाती थी, ये बैठ के रोती रहती थी, इसने पूरी तरह से उसको पसा के, उसको पूरी तरह से ये एंगल दिखा के कि लोग तुम्हें पसंद करते मेरी वजह से, उसके बाद सुरेश ये बात मानने लगा, और उसके बाद अब उसका यही है कि उसको बार बार यही समझाया गया इलिया ने कि तुम इस स्कैम में तुम हो, मैं नहीं हूँ, इसीलिए बार बार बोलती है। उसको पहले से पता था मरवान कौन है। पहले नेपाली लोगन रोटी देता था उन लोगन को, तब सुरेश का गाना लगा के पूरा बैठती थी। हाँ अब तब रोटी देने छोड़ दिया, तब अभी तो बल्ले मारवान किंग मारवान, बस पंजाबी गाने लगाए, बस बंगड़े बंगड़े। मिस्टर कुरुप ने उसको गिफ्ट किया था, और मिस्टर कुरुप ने वहां पे कमेंट की थी कि सुरेश का किंग का एक गाना लगाओ, और पिन किया था अपना कमेंट, उसने कमेंट पढ़ के